ईयर एंड रिव्यू 2021 में हम इंडिया और मालदीव के रिलेशन की बात करते हैं और हम फॉरेन पॉलिसी पे भी चर्चा करेंगे। साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि भारत की चिंताएं क्या हैं। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो नेबरहुड फर्स्ट है, पड़ोसी पहले। तो नेबरहुड फर्स्ट में मालदीव भी आता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि COVID-19 के दौरान जो है भारत ने मिशन सागर चलाया। मिशन सागर के द्वारा यहाँ पर मालदीव में सहायता पहुँचाई गई और अब्दुल्ला यामीन जो हैं यहाँ पर फॉर्मर जो यहाँ के प्रेसिडेंट रहे हैं 2013 से लेके 18 तक, उनके जेल से छूटने के बाद उन्होंने यहाँ पर इंडिया आउट कैंपेन चलाया हुआ है, जो कि भारत के लिए एक चिंता की बात है क्योंकि मालदीव का जो लोकेशन है वो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये टोल गेट भी इसे कहा जाता है। और वैसे तो मालदीव की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिया फर्स्ट है, लेकिन फिर भी हमारी जो चिंताएं हैं वो चाइना के एंगल को हम देख सकते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो पॉलिसी है चाइना की, उसके अंतर्गत भी देखा जा सकता है। और यहाँ पर जो रेडिकलाइजेशन का जो चिंताएं हैं भारत की, ये उनमें से एक चिंता है ये। और महत्वपूर्ण बात ये है कि भारत ने यहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 500 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, और ग्रेटर माले जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उस पर भी भारत काम कर रहा है यहाँ। तो 2021 में संक्षेप में मैंने आपको बताया कि मालदीव के हालात क्या हैं, और इसी के साथ थैंक यू।